अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का सब्जेक्ट फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स में पहले यूनिट के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तो न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले जो न्यूमेरिकल आता है इसमें है 1.1 राइट इन प्रीफिक्सेस। मतलब ये कि हमें क्वांटिटीज़ दी गई होनी है और हमने इन क्वांटिटीज़ को लिखना है 10 की पावर में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दिया हुआ है 5000 ग्राम, तो यहाँ पे 3 जीरो है। 3 जीरो को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 10 raised to power 3, क्योंकि हमारे पास जीरो जो है वो 3 है, इस वजह से हम पावर लिखेंगे 10 की पावर 3, 5 into 10 raised to power 3। और 1 kg इक्वल होता है 10 raised to power 3 ग्राम के। मतलब ये कि 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम के, इस वजह से हम यहाँ पे 10 raised to power 3 की जगह पे kg भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बी क्वेश्चन है, इसमें हम देख लेंगे कि जीरो कितने हैं। तो जीरो जो है वो 6 है, इस वजह से हम लिख लेंगे 2 into 10 raised to power 6। तो 10 raised to power 6 जो है वो मेगा के इक्वल होता है, 10 raised to power 6 इक्वल होता है मेगा के। तो मेगा को हमने जो शो करना है वो एम में शो करना है, इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे 2 megawatt। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 52 into 10 raised to power -10 kg। यहाँ पे एक तो हमें दिया हुआ है 10 raised to power -10, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 5 point, क्योंकि हमारे पास 52 है तो 52 में यहाँ पे हम 5.2 लिख लेंगे। तो 5.2 जब हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम इन दोनों के दरमियान में पॉइंट लगा रहे हैं, तो पॉइंट से नेक्स्ट जो डिजिट आएगा वो 1 है। तो जब हम क्वांटिटीज में पॉइंट लगाते हैं तो हम 10 की पावर जो है वो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि अगर नेक्स्ट जो है वो अदद 1 हो तो फिर हम 10 raised to power 1 लिखेंगे। और 10 raised to power -10 हमें ऑलरेडी दिया हुआ था। 10 raised to power 3 ग्राम कहाँ से आया, यहाँ पे क्योंकि यूनिट जो है वो kg में दिया हुआ है, इसी वजह से हमने यहाँ पे kg की जगह पे ग्राम लिख दिया। तो 10 raised to power 3 यहाँ पे हम लिखेंगे। अगर आप इस सब को हल करें 10 raised to power -10 and 3 को, तो ये आ जाएगा -7, 10 raised to power -7 and 10 raised to power -7 में से अगर हम 1 को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 10 raised to power -6। तो 10 raised to power -6 इक्वल होता है माइक्रो के, और माइक्रो को रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में। तो हम यहाँ पे 5.2 into 10 raised to power -6 ग्राम और 10 raised to power -6 ग्राम की जगह पे हम यहाँ पे माइक्रो लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 2 to 5 into 10 raised to power -8 seconds। यहाँ पे 2 के साथ जो है वो पॉइंट आएगा, तो 2 के साथ पॉइंट आ गया। नेक्स्ट डिजिट्स हमारे पास 2 हैं, 2 and 5, इसी वजह से हम 10 raised to power जो है वो 2 लिखेंगे, 10 raised power 2 एंड 10 raised to power -8। हम जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 10 raised to power -6। तो 10 raised to power -6, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि 10 raised to power -6 जो है वो इक्वल होता है माइक्रो के, इसी वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे 2.25 microsecond। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास वैल्यूज दी गई हो माइक्रो की, नैनो की या पिको की दी गई हो, तो इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। मतलब ये कि माइक्रो, नैनो एंड पिको का जो है वो आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो माइक्रो इक्वल होता है 10 raised to power -6 के, नैनो इक्वल होता है 10 raised to power -9 के, पिको इक्वल होता है 10 raised to power -12 के। सॉरी, यहाँ पे पिको इतना। हमारे पास जो वैल्यूज दी गई हैं इसमें है 1000 नैनो, 1000 नैनो में
थाउजेंड आप ऐसे ही लिख देंगे और टेन रेज टू पावर माइनस नाइन लिखेंगे। टेन रेज टू पावर माइनस नाइन क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नैनो इक्वल है टेन रेज टू पावर माइनस नाइन के। तो अब यहाँ पे टेन रेज टू पावर थ्री थाउजेंड की जगह पे लिख देंगे और टेन रेज टू पावर माइनस नाइन, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस नाइन में से थ्री जो है वो सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो टेन रेज टू पावर माइनस सिक्स है। और ये हमें पता है कि जो टेन रेज टू पावर माइनस सिक्स है वो इक्वल होता है वन माइक्रो के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है थाउजेंड पीको, पीको इक्वल होता है टेन रेज टू पावर माइनस ट्वेल्व के। थाउजेंड की जगह पे हम टेन रेज टू पावर थ्री लिखेंगे और पीको की जगह पे हम टेन रेज टू पावर माइनस ट्वेल्व लिखेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेन रेज टू पावर माइनस नाइन, मतलब वन नैनो। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 1.5 है। 1.5 में क्या है कि हमने वैल्यूज को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले तो हमने प्रीफिक्सेस के फॉर्म में लिखा, अब जो है वो नेक्स्ट हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो प्रीफिक्सेस में हम कैसे लिखते हैं किसी भी क्वांटिटी को, हमें अगर वैल्यू दी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म में